अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल आप सबका। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, सेफ होंगे, हेल्दी होंगे। तो वेलकम है जी एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो यार लास्ट चार वीडियोस जो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की थी उनमें मैंने आप लोगों को ब्रॉयलर प्री स्टार्टर, ब्रॉयलर स्टार्टर, ब्रॉयलर ग्रोथ और ब्रॉयलर फिनिशर की फार्मूलेशंस बताई थी। 1000 kg की फीड फार्मूलाज थे जिनका माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया आप सब लोगों ने। तो उन चार वीडियोस के साथ ही हमारा जो ब्रॉयलर फीड फार्मूलेशंस का टॉपिक था वो क्लोज़ हो गया। तो अब उसके बाद जो सबसे ज़्यादा मेरे पास रिक्वेस्ट और डिमांड्स आई हुई थी वो लेयर फीड फार्मूलेशंस की आई हुई थी। तो आज से हम लेयर फीड फार्मूलेशंस का टॉपिक शुरू करेंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और बताऊंगा लेयर स्टार्टर का 1000 kg का फीड फार्मूला। मगर ये टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ बातें हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं लेयर फीड फार्मूलेशन से रिलेटेड। देखिए भाई, ब्रॉयलर में तो ये होता है कि हमारे पास चार फीड फार्मूलेशंस हैं, प्री स्टार्टर, स्टार्टर, ग्रोअर और फिनिशर। ये फिक्स फार्मूलेशंस होती हैं क्योंकि ब्रॉयलर ने 35 से लेके 40 दिन या 45 दिन के टेन्योर तक पलना होता है, उसके बाद उसने मार्केट हो जाना है। लेकिन लेयर में हमने लेयर को ज़्यादा लंबा चलाना होता है तो उसमें हम फीड फार्मूले जो होते हैं वो एग्जैक्ट नहीं रख सकते। हम एक फीड फार्मूलेशन करते हैं, उसको बर्ड के ऊपर अप्लाई करते हैं, फिर बर्ड हमें उस फीड फार्मूलेशन का रिस्पॉन्स देता है। तो उस फीड फार्मूलेशन के रिस्पॉन्स को हम जज करते हुए अपनी फीडिंग को सेट करते हैं। यानी अगर दूसरे अल्फाज में कहें तो लेयर में कोई भी एग्जैक्ट फीड फार्मूलेशन नहीं होती। हम बर्ड के स्टैंडर्ड्स को देखते हुए, बर्ड की हेल्थ को देखते हुए, बर्ड की एग प्रोडक्शन को देखते हुए, उसके फिजिकल विगर को, फिजिकल स्टेट को देखते हुए फार्मूलेशन डिसाइड करते हैं कि हमने किस तरह की वैल्यूज सेट करनी है और उसका रिस्पॉन्स हमें बर्ड फिर देता है। अमूमन एक महीने में एक दो बार फार्मूलेशंस रिवाइज हो जाती हैं। लेयर के केस में हमने बर्ड के रिएक्शन को देखते हुए ये डिसाइड करना होता है कि हमने फीड फार्मूलेशन किस तरह सेट करनी है। इसलिए लेयर में कोई भी एग्जैक्ट फीड फार्मूलेशन नहीं होती। लेकिन क्योंकि अब आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड्स आ रही थी और रिक्वेस्ट आ रही थी लेयर फीड फार्मूलेशंस पे, तो मैं आप लोगों को बर्ड के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक फीड फार्मूलेशन करके दे दूँगा। वो बर्ड के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होंगी, मगर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप किसी भी टेक्निकल बंदे से पहले रابطہ ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये बर्ड टू बर्ड वेरी करता है। लेयर में हम ब्रॉयलर की तरह फिक्स फार्मूलेशंस के साथ नहीं चल सकते। मैं जो आप लोगों को फार्मूलेशन दे रहा हूँ ये स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग पूरी हैं, मगर बर्ड टू बर्ड डिफ़र कर सकती है। तो आज हम बात करेंगे लेयर के स्टार्टर फीड फार्मूलेशन पे। 1000 kg का फीड फार्मूला होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप जानते हैं आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। तो चलिए चलते हैं फार्मूलेशन की तरफ। तो ये जो आप लोग अपने सामने देख रहे हैं ये लेयर की स्टार्टर फीड फार्मूलेशन है। तो आइए इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मकई पे। तो इस फीड फार्मूलेशन में जो मकई की रेंज है मैंने 671 kg सेट की हुई है। जैसा कि मैं अपनी पहली फार्मूलेशन में भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि मकई एक ऐसा सीरियल ग्रेन है जो कि सबसे सेफ़ है, इसलिए मकई को हम हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी में डालते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट रॉ मटेरियल इस फीड फार्मूलेशन में लेयर स्टार्टर फीड में मैंने डाली हुई है वो है सोयाबीन मील। अब सोयाबीन मील मील्स में से सबसे सेफ मील जो है सोयाबीन मील को कहा जाता है। तो क्योंकि हम चूज़े की फीड बना रहे हैं इसलिए हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम सेफ़ रॉ मटेरियल ज़्यादा क्वांटिटी में डालें। तो मकई के बाद सबसे सेफ रॉ मटेरियल सोयाबीन मील होता है। तो लेयर स्टार्टर फीड फार्मूलेशन में मैंने सोयाबीन मील की रेंज 270 kg सेट की हुई है। उसके बाद थर्ड नंबर पे है फ़िश मील। फ़िश मील एनिमल ऑरिजन है। इस फीड फार्मूलेशन में मैंने थोड़ी सी अमाउंट फ़िश मील की डाली है, ज़्यादा नहीं डाली, वो भी इसलिए ताकि चूज़े को एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मल्टी वाइटामिन नेचुरली तौर पे मिल सके। फ़िश मील में जो मल्टी वाइटामिन होते हैं वो और किसी मील में भी मुयस्सर नहीं होते। उसके बाद जो नेक्स्ट रॉ मटेरियल मैंने लेयर स्टार्टर फीड में डाला है वो है लाइमस्टोन। कैल्शियम ग्रिड्स होते हैं ये छोटे छोटे, क्योंकि ये हमने फीड बनानी है चूज़े के लिए तो इसमें जो कैल्शियम ग्रिड का साइज़ है वो सबसे छोटा हमने रखना है। तो इस फीड फार्मूलेशन में कैल्शियम ग्रिड का यानी लाइमस्टोन की जो रेंज है हमने 10 kg सेट की हुई है। उसके बाद नेक्स्ट रॉ मटेरियल इसमें है DCP, डाई कैल्शियम फॉस्फेट। अब डाई कैल्शियम फॉस्फेट कैल्शियम का सोर्स भी है और फॉस्फोरस का सोर्स भी है। सबसे बेहतरीन सोर्स फॉस्फोरस का हमें DCP से मिलता है। तो इस लेयर स्टार्टर फार्मूलेशन में DCP की रेंज हमने 10 किलो सेट की हुई है। ये थे रॉ मटेरियल्स। अब बात कर लेते हैं सप्लीमेंटेशन पे और मेडिकेशन पे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रीमिक्स पे। प्रीमिक्स मल्टी वाइटामिन प्लस मल्टी मिनरल का एक कॉम्बिनेशन होता है। तो लेयर स्टार्टर फीड फार्मूलेशन में मैंने प्रीमिक्स की जो रेंज है वो 2 किलो सेट की है। उसके बाद नेक्स्ट जो सप्लीमेंट है वो है DL मेथियोनीन, एक अमाइनो एसिड है
जो कि हमें एक्सटर्नली डाल के बर्ड की रिक्वायरमेंट को पूरा करना पड़ता है। तो इस फीड फॉर्मुलेशन में लेयर स्टार्टर में हमने डीएल मेथियोनिन की रेंज जो है वो 700 ग्राम सेट की हुई है। उसके बाद आ जाते हैं लाइसिन सल्फेट पे। तो लेयर स्टार्टर फीड फार्मूलेशन में मैंने लाइसिन सल्फेट की जो रेंज है वो 1.5 किलो यानी 1 किलो 500 ग्राम सेट की हुई है। उसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है कोलिन क्लोराइड। कोलिन क्लोराइड जो है बर्ड के लिवर के लिए और किडनीज के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होता है। तो लेयर स्टार्टर फीड फार्मूलेशन में कोलिन क्लोराइड की जो रेंज है मैंने 1.25 किलो यानी 1 किलो 250 ग्राम सेट की हुई है। उसके बाद बात कर लेते हैं टॉक्सिन बाइंडर पे। हमेशा मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि फीड में आप जो भी टॉक्सिन बाइंडर डालें ख्याल रहे वो इम्पोर्टेड हो। तो लेयर स्टार्टर फीड फार्मूलेशन में टॉक्सिन बाइंडर की रेंज मैंने 1 किलो सेट की हुई है। उसके बाद जो नेक्स्ट सप्लीमेंट है वो है सॉल्ट। सॉल्ट मैंने 1.25 किलो ऐड किया है और मीठा सोडा आपको इजीली कहीं से भी मिल जाएगा वो मैंने 2 किलो ऐड किया हुआ है। तो ये टोटल 1000 kg की फीड फार्मूलेशन है जो कि 2404 रुपये में मेरे पास तैयार हो रही है। अगर आप इसको कमर्शियल से कंपेयर करते हैं तो इस वक्त कमर्शियली लेयर स्टार्टर फीड जो है वो 2800 से लेके 2700 की रेंज में आपको मिल रही है, और 2700 भी कमर्शियली आपको तब चार्ज होगी जब आप सारी पेमेंट नेट करेंगे। तो इसके बाद इसके प्रोफाइल पे बात कर लेते हैं। लेयर स्टार्टर का जो मैंने प्रोफाइल सेट किया हुआ है वो क्या है, सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोटीन पे। तो इस फीड फॉर्मुलेशन में मैंने प्रोटीन की रेंज रखी हुई है 19.7%। उसके बाद बात कर लेते हैं एनर्जी पे। तो एनर्जी मैंने सेट की हुई है 2834 किलो कैलोरीज जो कि स्टैंडर्ड के एन मुताबिक है। उसके बाद अगर मेजर अमाइनो एसिड्स की बात कर ली जाए तो लाइसिन मैंने इसमें 1% सेट किया हुआ है। डीएल मेथियोनिन जो मैंने है इसमें 0.39 यानी 0.4% मैंने इसमें सेट किया हुआ है। उसके बाद फैट और फाइबर की बात कर ली जाए तो लेयर स्टार्टर फीड फार्मुलेशन में फैट की रेंज मैंने 3.2% सेट की हुई है और फाइबर की रेंज मैंने 3.6% सेट की है। मिनरल्स की बात कर लेते हैं तो मिनरल्स लगभग 1%, कैल्शियम मैंने इसमें सेट किया हुआ है 0.9% है इस फीड फार्मुलेशन में, और फॉस्फोरस जो है 0.4% मैंने सेट किया हुआ है। तो इन शॉर्ट एक हेल्दी लेयर स्टार्टर फीड फार्मुलेशन है। तो अगर आप लोगों ने भी अपने बर्ड के लिए कुछ स्पेशल फीड फार्मुलेट करवानी है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का नंबर गिवन है, आप मुझसे वहाँ पर रब्ता कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करूँगा आपको कॉन्टेंट पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर सब कीजिएगा और फैला दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।